मायापुरी न्यूज इन में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब इसी बुलेटिन में होगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा आज का सवाल है, कौन सी एक्ट्रेस अपनी डेटिंग लाइफ को रखती है लो प्रोफाइल। मलाइका अरोड़ा ने कहा, प्यार में सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का कहना है कि प्यार में हर कोई एक दूसरा मौका पाने का हकदार है और लोगों को खुले दिमाग से इन सारी चीजों से पेश आना चाहिए। मलाइका ने कहा कि भारत में एक महिला के लिए प्यार में दूसरा मौका लेना आज भी एक टैबू है। मलाइका ने बताया, ये एक टैबू है क्योंकि यहाँ ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ और मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाए जाने की जरूरत है। मलाइका ने कहा, हालांकि मुझे लगता है कि इस मुद्दे को खुले दिमाग के साथ ही सुलझाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर किसी को एक दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का रोमांस, शेयर की तस्वीरें। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने मियामी में अपना जन्मदिन मनाया था। इस सेलिब्रेशन में उनके साथ पति निक जोनस, मां मधु चोपड़ा और कजिन परिणीति चोपड़ा संग अन्य दोस्त शामिल हुए थे। अब प्रियंका ने अपनी उन्हीं छुट्टियों की कुछ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरों में निक और प्रियंका प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर फैंस इनकी तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि प्रियंका के बर्थडे सेलिब्रेशन से आई उनकी सिगरेट पीते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस तस्वीर में प्रियंका, उनकी माँ और निक स्मोक कर रहे थे। महंगा बैग लिए दिखी जानवी कपूर। हाल ही में जानवी कपूर को कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या की स्क्रीनिंग में स्पॉट किया गया। फिल्म की स्क्रीनिंग में जानवी व्हाइट क्रॉप शर्ट और मल्टी कलर चेक प्रिंटेड पैंट में नजर आई, लेकिन जानवी के इस लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके हैंडबैग ने खींचा। बता दें कि जजमेंटल है क्या की स्क्रीनिंग में जानवी ने सेंट लॉरेंट ब्रांड का बैग कैरी किया हुआ था। ब्लश पिंक कलर के जानवी के इस ब्रांडेड बैग ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जानवी के इस ब्रांडेड बैग की कीमत 1,82,412 रुपए है। बता दें कि जानवी कपूर बैग की काफी शौकीन है और उन्हें अक्सर ही कीमती बैग कैरी किए हुए देखा जाता है। बारिश में योगा क्लास के लिए निकली मलाइका अरोड़ा। मुंबई में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई की भारी बारिश भी मलाइका की फिटनेस रूटीन में अड़चन नहीं बन पाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलाइका बारिश में हाथ में छाता लिए ही अपनी योगा क्लास के लिए निकल पड़ी हैं। ये तस्वीरें मलाइका की योगा क्लास के बाहर की हैं। फोटो में मलाइका हाथ में छाता पकड़े हुए नजर आ रही हैं। मलाइका ब्लैक पैजामा के साथ व्हाइट स्पोर्ट ब्रा और स्लीपर्स पहने हुए दिख रही हैं। हाई हेयर बन और नो मेकअप लुक में भी मलाइका काफी फ्रेश और स्टनिंग लग रही हैं। कृति सैनन अपनी डेटिंग लाइफ को रखती है हमेशा लो प्रोफाइल। एक्ट्रेस कृति सैनन का कहना है कि उनके सह कलाकार वरुण शर्मा उन्हें लेकर बेहद रक्षात्मक हैं और वो कभी भी उन्हें किसी को डेट नहीं करने देंगे। क्यों कृति अपनी डेटिंग लाइफ को हमेशा लो प्रोफाइल रखती हैं? तो इस पर कृति ने कहा, अगर मैं कल किसी को डेट भी करती हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं दुनिया को ये बात बता पाऊंगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये जानकारी केवल मेरे लिए और मेरे करीबी लोगों के लिए है। मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे संबंध को जज करे। कृति, वरुण और दिलजीत दोसांझ ने बॉय इन्वाइट ओनली शो में अपनी अपनी बात रखी। पूजा बत्रा ने स्विमिंग पूल में किया हॉट योगा। शादी के बाद से ही पूजा बत्रा और नवाब शाह सुर्खियों में हैं। वहीं अब पूजा बत्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटोज में वो बिकनी पहने हुए स्विमिंग पूल में बेहद हॉट अंदाज में योगा करती दिखाई दे रही हैं। बता दें कि 42 साल की पूजा बत्रा फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं। फिटनेस के मामले में नवाब शाह भी कुछ कम नहीं हैं। व्हाइट बिकनी में इलियाना डिक्रूज का बोल्ड अवतार। इलियाना डिक्रूज बीते काफी समय से बॉलीवुड से गायब हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के चलते अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। इलियाना डिक्रूज ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक सिजलिंग थ्रोबैक फोटो शेयर की है। थ्रोबैक फोटो में इलियाना व्हाइट बिकनी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। खुले बाल, मिनिमल मेकअप और व्हाइट फोटो में इलियाना का काफी बोल्ड अंदाज देखा जा सकता है। इलियाना जल्द ही अनीस बज्मी की फिल्म पागलपंती से बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं। फिलहाल लंदन में इस फिल्म की शूटिंग का काम चल रहा है। बता दें कि इलियाना ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर एंड्रयू नेबॉन संग अपने रिश्ते और सीक्रेट वेडिंग को लेकर चर्चाएं बटोर चुकी हैं। एक बार फिर विवादों में आए योग गुरु।
एक बार फिर विवादों के कारण योग गुरु इरा त्रिवेदी सुर्खियों में बनी हुई हैं। इरा योग टीचर होने के साथ बेस्ट सेलिंग ऑथर और कॉलमनिस्ट भी हैं। उन्होंने अभी तक 8 किताबें लिखी हैं, जिसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन और चिल्ड्रन बुक शामिल हैं। उनकी लिखी किताब इंडिया इन लव, मैरिज एंड सेक्सुअलिटी इन द 21st सेंचुरी काफी चर्चा में रही। गौरतलब है कि इरा दूरदर्शन में योगा विद इरा त्रिवेदी कार्यक्रम करती थी। हाल ही में उनके कुछ ट्वीट्स और वीडियो वायरल हो गए थे, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म से पिछड़ा बताया था। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो में बीफ को प्रोटीन का अच्छा विकल्प बताया था। लोगों ने जब उनका भारी विरोध किया तो दूरदर्शन को उन्हें शो से बाहर निकालना पड़ा। इसके पहले वो लेखक चेतन भगत पर मीटू मूवमेंट के तहत यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सुर्खियों में आ चुकी हैं। उन्होंने चेतन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें जबरन किस करने की कोशिश की थी। एक बार फिर बता दें हमारा आज का सवाल, कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी डेटिंग लाइफ को रखती है लो प्रोफाइल? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।